आप देख रहे हैं YouTube चैनल शिल्पा सिलाई सेंटर। इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज हम बताने जा रहे हैं ये खाद का बोरी है जिसका हम आज झोला सिलेंगे, सिलाई करेंगे, इसकी कटिंग कैसे करेंगे और इसकी सिलाई कैसे करेंगे इसके बारे में आपको बताएंगे। तो दोस्तों इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन को भी ऑन कर ले। आप देख सकते हैं ये एक बोरी है, इसमें ये पूरा सीधा बोरी है तो इसको हम इतना चौड़ाई नहीं रखेंगे, इसमें हम इसकी चौथाई भाग रखेंगे, इतना चौड़ाई हम झोला बनाएंगे और इसकी लंबाई हमारी इतनी होगी। तो इसको कटिंग कैसे करेंगे, ये जो चौड़ाई भाग हमने इतना लिया है इसमें हम आधा इंची ज़्यादा लेकर कटिंग करेंगे और लंबाई में भी जो हमने ऊंचाई इसका लिया है इतना, इसमें भी हम थोड़ा अधिक लेंगे क्योंकि इसको अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे ताकि किनारा इसका नहीं निकलेगा। तो चलिए इसको हम कटिंग कर लेते हैं। हैंडल कैसे निकालते हैं ये भी देख लीजिए। इसमें हैंडल हम इसके पूरे में हैंडल लगाएंगे, इधर भी, नीचे से ऊपर तक, ताकि ये झोला बिल्कुल ही मजबूत हो। तो इसके नाप का हम हैंडल काट लेते हैं। आप देख सकते हैं ये नाप हमारा इतना आया और यहाँ हमारा ये फोल्ड हुआ इतना, लगभग ऊपर ये हाथ से पकड़ने के लिए रहेगा। तो इसका ये डबल है हमारा, तो ये हम पूरा काटेंगे, बीच में ज्वाइंट कर लेंगे। तो इसकी चौड़ाई हमने लगभग 2 इंची काटेंगे। देख सकते हैं हमने ये हैंडल कटा था, इसका ये डबल भाग हो गया हमारा। ये नीचे का ज्वाइंट इसी तरह छोड़ देंगे, ये मजबूत ज्वाइंट है। अब इसको हम ये जो डबल, इसको हम डबल फोल्ड करेंगे, आधा से चौथाई भाग इधर से और आधा से चौथाई भाग इधर से, ऐसे फोल्ड करके बीच में एक फोल्ड हम और दे देंगे, ऐसे फोल्ड करके, और इस पर हम डबल सिलाई चलाएंगे ताकि ये जो हमारा फोल्ड हो गया, ये किनारा हमारा, ये जो धागा होगा ये बोरी का, ये बाहर नहीं निकलेगा इससे। दोनों किनारे से मोड़कर फोल्ड करके सिलाई चला दिया है। ये दो हमारा ये जो हैंडल है झोले का, ये हमने दो तैयार कर लिया। आप देख सकते हैं ये पूरे झोले में लगेगा, पूरे बैग में नीचे से ऊपर की तरफ लगेगा ताकि काफ़ी ये मजबूत बैग हो जाएगा। चाहे जितना मर्जी इसमें सामान रख ले, ये फटने का चांस नहीं है या ख़राब होने का चांस नहीं है। आप देख सकते हैं ये हमने जो बैग कटिंग किया है झोला, इसका ये हमारा ऊपर का मुख रहे सॉरी मुख रहेगा, ये हमारा नीचे का है। तो हम इसको यहाँ से 1 इंची लगभग अंदर की तरफ ऐसे फोल्ड कर देंगे। पहले यहाँ पे थोड़ा सा फोल्ड करेंगे ताकि इसका धागा हमारा ये बाहर ना निकले। उसके बाद हम 1 इंची के लगभग दोबारा फोल्ड करके इस पर भी हम डबल सिलाई चला देंगे ताकि ये भी हमारा किनारा ऊपर का मजबूत हो जाएगा। चलिए इसको हम भी सिलाई चला लेते हैं। तब से होल्ड कर दिया है,
ये इसको हम चलिए आप देख सकते हैं ये हमारा बैग का हैंडल है। हम यहाँ से ज्वाइंट करेंगे इसको घुमा के, फिर इसी भाग पे हम इसको ले आके यहाँ पे इस पल्ला का ये ऐसे हम छोड़ देंगे। फिर दूसरा पल्ला में जो हम हैंडल लगाएंगे उसको ले आके यहाँ एक साथ ये हैंडल हम ज्वाइंट कर देंगे तो ये काफ़ी ये मजबूत हो जाएगा। चलिए इसको हम लगा लेते हैं। अब इस दूसरे हैंडल को लगाने के लिए हम इसको किनारे से ऐसे पकड़ लेंगे, किनारे से इसको पकड़ के और इसको देखेंगे हमारा ये कहाँ आ रहा है तो ये हम बाहरी बाहर के तरफ से रखेंगे, ये हमारा यहाँ पे आ रहा है तो इसको हम यहाँ पे लगाएंगे बाहर से। जो पिछला ये जो हैंडल लगाया था इसके ऊपर ही ये दूसरे भाग पे हम लगा रहे हैं और इसको बिल्कुल ऐसे ही लगाकर और जो हमने ये पीछे जो हमारा ये निकला है बिल्कुल इस पे ले आकर हम मिला देंगे ऐसे ऐसे पूरा मिला देंगे और इसी पे हम फिर सिलाई चला देंगे। देख सकते हैं ये हमारा झोला बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, हमने किनारा सारा कुछ कंप्लीट कर दिया है। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें।
तो अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।